रामायण काल की सबसे सुंदर और दिव्य कन्याएं। दोस्तों, इतिहास में यूं तो कई सारी दिव्य और सुंदर कन्याओं का वर्णन हमें मिला है, लेकिन रामायण काल में कुछ ऐसी दिव्य स्त्रियां थी जो आज इतिहास में अमर हो चुकी है। उनमें से पहला नाम आता है माता सीता का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही है, माता सीता स्वयं महालक्ष्मी की अवतार थी। वो परम सुंदरी थी और अखंड पतिव्रता थी। उनकी सुंदरता का एक झलक हमें वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा माता सीता की सुंदरता का वर्णना करते हुए कहती है कि वो राम की भारिया महालक्ष्मी का साक्षात अवतार है। उसके समान सुंदर स्त्री संपूर्ण जगत में नहीं, ना कोई देवी देवताओं में वैसा रूपवान है, ना कोई अप्सरा, ना कोई गंधर्व, ना कोई मनुष्य। यही नहीं, सुंदरता के साथ मर्यादा, पतिव्रता और साहस का एक महान मिसाल है माता सीता। अहिल्या ब्रह्म देव के द्वारा संसार के सभी सुंदर चीजों को मिलाकर बनाई गई स्त्री थी। अहिल्या बहुत ही अधिक सुंदर थी और इसीलिए इंद्र की कुदृष्टि उस पर थी। अहिल्या को पंच कन्या में स्थान मिला था, जो पति के होने के बाद भी कुमारी कन्या के जैसा ही रहती है और वो हमेशा 16 साल की ही बनी रहती है। इंद्र के किए गए अन्याय के कारण ऋषि गौतम ने अहिल्या को एक पशान बनने का श्राप दिया था और रामायण काल में श्री राम प्रभु के चरण कमलों के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हो पाया था। अनसुईया। दोस्तों, सती अनसुईया को कौन नहीं जानता, जिसने स्वयं त्रिदेवों को भी नन्हे बालक बनाकर उनकी सेवा की थी। वनवास के समय जब माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण चित्रकूट आए थे, तो उस वक्त माता सीता को पतिव्रता धर्म का ज्ञान माता अनसुईया ने ही दिया था। माता अनसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य लेप भी दिए थे। माता अनसुईया सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में से एक है। तारा। दोस्तों, रामायण काल का सबसे महाबली योद्धाओं में से एक बानर राज वाली। बाली की पत्नी तारा रामायण काल के सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। कहा जाता है कि वो समुद्र मंथन से निकली एक अप्सरा थी, जिसका विवाह बाली से हुआ था। मंदोदरी। दोस्तों, मंदोदरी को कौन नहीं जानता, वो रावण की पत्नी थी और रावण से बहुत अधिक प्रेम करती थी। उसने कई बार रावण को समझाए थे कि माता सीता को लौटा देने के लिए, पर रावण ने उसकी एक भी नहीं सुनी। मंदोदरी बहुत ही अधिक सुंदर और सती स्त्री थी। वो भी पंच कन्याओं में जानी जाती है, जो हमेशा 16 साल की ही रहती है और विवाहित होने के बाद भी हमेशा कुमारी स्त्री के जैसा ही रहती है। श्री राम की माता कैकेयी। दोस्तों, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाने वाली भरत की माता कैकेयी को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं, जो कैकेयी थी वो परम सुंदरी थी। सुंदर होने के साथ साथ वो युद्ध कलाओं में भी निपुण थी। देवासुर संग्राम में उसने ही राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी और उसके बदले राजा दशरथ ने उसको वचन मांगने को कहा था और उसके बहुत सालों बाद वही वचन राजा दशरथ से उन्होंने श्री राम के राज तिलक के समय मांग लिया। श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भिजवा दिया। दोस्तों, रामायण से जुड़ी ऐसे ही सुंदर कथा और लीलाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा।